दिस इज वैशाली त्यागी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं जयपुर। जैसे कि आप लोग देख चुके हो, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट फेयरमॉन्ट जयपुर एंड ये मेरा फर्स्ट लग्जरी होटल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीच देयर। अभी मैं अपने घर से निकली हूँ, ऑलमोस्ट 9 o'clock एंड आई थिंक 6 hours मुझे इन टोटल लगेंगे पहुँचने में। So just had my breakfast at Bikaner wala because I love वहाँ का रवा मसाला डोसा। तो हमने सुबह सुबह खाया डोसा और अब हम जा रहे हैं जयपुर। तो या एंड सुपर एक्साइटेड टू बी देयर एंड आई होप एवरीथिंग गोज वेल। So we have finally reached Jaipur and let me show you how incredibly Fairmont welcomed their guests into their resort. So as you enter, सबसे पहले वो drums बजा के आपका स्वागत करते हैं, then वो फूल फेंकते हैं आपके ऊपर and then when you enter, there's a lot of music going around to show the cultural essence of Jaipur and Rajasthan. कसुमल रंग के तारा के चौंदड़ी, ओ जी कसुमल रंग के तारा के चौंदड़ी, ओ भाई सारा बीरा जयपुर जा जो सा, भाई सारा बीरा जयपुर जा जो सा, आता तो ले जो तारा की चौंदड़ी। Thank you for this. Safa is a king and bangles are queen. So ma'am, please you choose your favorite color bangle. Okay, I will go with pink. Ma'am, this bangle along with 3 promises. Hanji. Wait on your ring. Ma'am, this ring is mine. After long. मतलब राजस्थानी वाइब आ रही है पूरी इस जगह से एंड बहुत ही लग्जूरियस रिजॉर्ट है। आई वेलकम वाज आल्सो वेरी गुड, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया होगा लाइक ऐसे फूल बरसते हैं आपके ऊपर, फिर आप एंट्री पे आपको वो वेलकम ड्रिंक देते हैं एंड देन दे गिव यू द पगड़ी आल्सो एंड द हैट वाला ये बंदनी आल्सो। सो अभी आई एम गोना शो यू द रूम दैट आई हैव बुक। ये बेस कैटेगरी वाला रूम है विच इज द फेयरमॉन्ट किंग रूम एंड आई विल शो यू अराउंड द रूम। एंड बाय द वे ये मेरे पीछे की विंडो है जहां से प्रॉपर्टी दिख रही है। सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल कमरा एंड जैसे ही हम एंटर करते हैं यहाँ पर वॉशरूम का गेट है पर वो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी। देयर आर 2 एंट्रीज एंड देन एज वी एंटर दिस इज अ मिरर यहाँ पे। हेलो, सो लेट मी गिव यू द रूम टूर एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल रूम। प्रिटी प्रिटी
व्हाइट कलर का रूम, व्हाइट कलर का बेड एंड वेन यू कम हियर तो ये हमारा टीवी है एंड यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉर्स हैं, तो यहाँ पे मिनी फ्रिज है, हैज टू मोर वाटर बॉटल्स एंड देन ये ड्रॉर्स है, देन देयर इज टी एंड कॉफी मेकर ओवर हियर एंड देन ये वर्क डेस्क है, बट यहाँ पे मैं काम करने नहीं आई तो वी इग्नोर दिस पार्ट एंड देन दिस इज अ सिटिंग स्पेस यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ विंडो है बट विंडो बहुत बड़ी है और ये बहुत राजस्थानी स्टाइल में बनी हुई है एंड जो व्यू है वो थैंकफुली हमारा सिटी व्यू था, नॉट द पूल व्यू वन, बट वी गॉट अ नाइस व्यू, नीचे ये बाग है। एंड लेट मी शो यू सम डिटेलिंग ऑफ द रूम, लाइक लुक एट दिस टेबल, इसमें ये जो डिटेलिंग है मिरर वाली, दिस इज सो नाइस एंड द टिश्यू बॉक्स इज सो नाइस यार, एंड दे हैव गिवन अस कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट्स सो वी कैन हैव फ्रूट्स विद अ व्यू, ये बहुत ही क्यूट चीज इन्होंने यहाँ पर ऐड करी हुई है, आई डोंट नो इसका काम क्या है बट इट लुक्स क्यूट। ऐसी दो सिमिलर वार्डरोब है फॉर द कपल एंड दिस हैज अ सेफ, अनदर वन आल्सो हैज अ सेफ, देन देयर इज दिस एंड द स्पेस, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस हियर, पर मेन चीज की वजह से मैंने ये फ्रेगमेंट का रूम बुक किया था वाज द वॉशरूम। मैं पहले लीला बुक करने वाली थी बट द ओनली रीजन दैट मेड मी बुक दिस प्रॉपर्टी वाज द रूम। रूम बहुत ही बड़ा लग्जूरियस और बहुत ही सुंदर है बट द बेस्ट पार्ट इज द बाथरूम, लेट मी शो यू। Welcome to the bathroom. So this is my washroom और यहाँ पे इतना बड़ा सा ये मिरर है, हेलो एवरी वन, और यहाँ पे दो कपल वाले ये वॉश बेसिन है एंड देयर इज अ ड्रायर ऑल्सो एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस बाथटब दैट आई एम गोना यूज। So after relaxing for a bit, we went to the bar. But सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ that we booked this property for 14,000 rupees including breakfast and dinner. अगर आप सिर्फ breakfast के साथ लेते तो deal 11,000 में मिल रही थी. We booked it in the off-season time, August 1st week में. But अगर आप इसको season time में book करोगे, ये आपको लगभग 30,000 तक की property पड़ेगी. But if you want to book it in the best rates and with the best मौसम also, तो I think August का महीना सबसे best है. So I spent few moment sitting here enjoying the beauty of this property and then uske baad hum bahar gaye and bahar jaate hi oh my god this property is so breathtaking, I mean sunset ke time par jo puri building hai na wo golden ho jati hai, like look at the property, it looks just so beautiful during sunset and yahan se sunset bahut hi pyara hota hai। So we have witnessed a beautiful, beautiful sunset here and यहाँ पे पीछे किसी की personal decoration भी हुई है, so it's gonna be a beautiful dinner for them
एंड यू प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सुंदर है, लाइक मतलब एवरी कॉर्नर यू गो देयर अ फोटो स्पॉट. गुड मॉर्निंग फ्रॉम फेयरमोंट जयपुर. एंड आज हमारा सेकेंड डे है एंड वी आर गोइंग टू चेक आउट इन अ फ्यू आवर्स. सो अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, सो लेट्स गो देयर. Just had our breakfast and now it's time to check out and leave the property. But I had a lot of breakfast, South Indian waffles. I think I tried everything and I'm so much full right now. ये अभी बस rest करने का मन कर रहा है, but I have to check out and leave. मैंने आपको रेस्टोरेंट दिखा दिया है, बार दिखा दिया है. Now it's time for the open space. मेरे पीछे ये pool है, दो pool हैं. I'll show you. Hey everyone, so we are at the Gold Lounge. अंदर जो आपने देखा ना वो लाउंज था, so where you can sit. But the best part is the outdoor terrace area, which is this beautiful terrace area behind me. So it's very good for photography. तो हम लोग photos क्लिक करने आए हैं. And property इतनी सुंदर है ना, मतलब मेरा background इतना अच्छा लग रहा है. From anywhere. ये जो आप गेट देख रहे हो मेरे पीछे, ये लगभग 300 इयर्स ओल्ड गेट है यहाँ का. सो इट्स क्वाइट अ नाइस प्लेस. सो या ये यहाँ की एक थोड़ी यूनिक और एक एंटीक चीज है कि ये इतने साल पुराना गेट और अभी तक इंटैक्ट है. एज यू कैन सी इट्स एंड इट्स वेरी प्रिटी. सो एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड अगर कोई और फेयरमोंट जा रहा है और प्लानिंग अ वेरी लग्जूरियस डेस्टिनेशन, अ लग्जूरियस होटल इन जयपुर, देन आई थिंक आई वुड रिकमेंड दिस प्लेस बिकॉज द रूम इज क्वाइट बिग, द प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी बिग. एंड सर्विस के मामले में आई वुड से दैट आई गिव 8/10 ऑन सर्विस, बट अदर देन दैट एवरीथिंग वॉज क्वाइट नाइस.
So yeah, I'll see you in the next video. Bye.